सब्सक्राइब कीजिए ABCD सब कुछ चैनल को, और प्लम्बिंग का नया से लेकर पुराना हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन आपका मोबाइल में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका ABCD सब कुछ चैनल में। दोस्तों बहुत ही कमाल का वीडियो लाया हूँ। अगर आप लोगों को आज तक प्रेशर पंप का वीडियो समझ में नहीं आया, या फिर प्रेशर पंप का लाइन गीजर में कैसे दे, या फिर ट्विन वार्क कैसे करें, इस सब अगर आप लोगों को नहीं मालूम या फिर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा और कभी आपको ऐसा परेशानी भी नहीं उठाना पड़ेगा और लॉन्ग टाइम आपका प्रेशर पंप लास्टिंग भी करेगा। ओके, और ये जो रिंग लाइन आप देख रहे हो, काफ़ी पहले मैं इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और इस सब जो है क्लाइंट जो है उसकी मर्जी है। तो इसका जो लाइन है सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो लाइन है डायरेक्ट टैंक से प्राइवेट लाइन प्रेशर पंप के लिए लिया हूँ। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपका ऐसा लाइन होता है, नहीं तो आप सिंपली एक लाइन से भी आप कर सकते हो, उसका मैं ड्राइंग में बताया हूँ। ओके, ये लाइन डायरेक्ट नीचे गया है और उधर निकला है, यानी ये जो टी देख रहे हो आप, इधर से ये लाइन निकला है टी वाला। ओके, आप समझाता हूँ। तो दोस्तों आप देख लीजिए, आप लोग इसका जो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ इसमें लाइन कैसे है। सबसे आप लोगों का थोड़ा सा माथा मिस्टेक हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले ये जो लाइन है ना, नीचे से वो टैंक से लाइन आने के बाद ये जो टी लगा है, ये जो टी है ये फॉल्स लाइन है, यानी ये जो है सिर्फ गीजर के लिए गया है, नॉर्मल एक पानी के लिए, नॉर्मल मतलब प्रेशर पंप का उससे कुछ वास्ता नहीं है। एक प्रेशर पंप का है, एक नॉर्मल है और एक आउटलेट है गीजर के लिए। ओके, नॉर्मल का ऐसा दे दिया। अब आप लोगों को समझाता हूँ, इधर जो है ना, यानी ये जो टी मारा हूँ इधर से समझ लीजिए ये एक लाइन है, ये दो नहीं है। और इसके बाद जो ये जो एल्बो लगा है इसे आप कैंसिल समझिए, वो कोई लाइन नहीं है, वो सिर्फ गीजर के लिए है, भूल जाइए। ये जो टी लगा है ना, टी लगने के बाद ये फ्लोर से भी ले सकते थे, लेकिन फ्लोर से क्यों नहीं लिया, क्योंकि फ्लोर में बॉल वाल्व NRB इस सब लगा नहीं सकते, इसके वजह से नहीं लिया ये काम। ओके, ऊपर लेना पड़ा। आप एक ध्यान समझ लीजिए, अगर इस सब नीचे रखोगे ऐसे एल्बो मार के, समझ लीजिए इधर से मेरा एल्बो ऐसे घूम गया ये वाला, और इधर मैं टी लगा दिया। ओके, यहाँ NRB बॉल वाल्व, उसके बाद तो उधर एक टी लगा के ऊपर ले लूँगा, तो इधर फ्लोर में वाटर प्रूफिंग हो जाएगा, दब जाएगा ना, इसके वजह से इस लाइन को ऊपर से ले लिया, ताकि कभी भी मेरा मेंटेनेंस होएगा तो वो आसान होएगा। आप समझ लीजिए, मैं इधर एक सिस्टम आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरा जो लाइन है ना, ये मार्किंग देख रहे हो आप ईंट का, समझ लीजिए इधर से मेरा लाइन ऐसे निकला उस टैंक के हिसाब से, उसके बाद ऐसे आया, और ये टी जो है ऐसे है ना, समझ लीजिए ऐसे लगेगा। ऐसे लगने के बाद इधर टी लग गया, ये चले गया मोटर का इनलेट में। आप ये जो लाइन है सिंपल सा ऐसे आएगा, उधर जैसा टी है वैसा रहेगा, हो गया ये आउटलेट, और उसका और मोटर का आउटलेट इसमें आके ऐसे कनेक्शन हो जाएगा, समझ गए, इतना हो गया। आप इसमें आप लोगों को बहुत सारा चीज़ आप लोगों को समझाऊंगा, ध्यान रखिएगा धीरे धीरे। सबसे पहले देख लीजिए, ये जो है इधर, सबसे पहले मोटर में आपको क्या करना पड़ेगा, मोटर में जो है NRB इसका 7वां आता है। ओके, यानी ये जो मोटर है इसका आउटलेट ये होता है, इसका NRB 7वां आता है और ये लगाना पड़ेगा। अगर नहीं भी देते आपको ध्यान देखना पड़ेगा, इसका एरो जो है ऊपर की साइड रहेगा, नीचे की साइड नहीं। ओके, एरो ऊपर रहेगा और पानी हमेशा ऊपर जाएगा। अगर NRB नहीं दोगे, अगर पानी कभी रिवर्स मारता है तो प्रॉब्लम क्या होएगा, मोटर आपका बिगड़ सकता है, इसकी वजह से NRB देना पड़ेगा टी से पहले। उसके बाद टी लगेगा, उसके ऊपर बूस्टर पंप लग जाएगा। ओके, आप ये जो है मशीन है प्रेशर एडजस्ट करने के लिए, जो काफ़ी सारा चीज होता है प्रेशर एडजस्ट किया जाता है। और उसके बाद ये जो मोटर में आप यूनियन देख रहे हो ना, मोटर के नज़दीक ये इनलेट है कनेक्शन, और ये जो यूनियन है, ये दोनों यूनियन आपको हमेशा मोटर के नज़दीक रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी आपका मोटर बिगड़ा तो इधर से आप खोलोगे। ओके, खोलने के बाद आप मोटर इजीली निकाल सकोगे, टुकड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। ये हो गया एक पॉइंट। आप इसमें इनलेट आउटलेट में आप लोगों को समझाता हूँ, देख लीजिए। आप देख लीजिए, ये जो मेरा इनलेट गया, समझ लीजिए उधर से आया। आप जिधर से समझ सकते हो समझ लीजिए, ये एक लाइन है, दो लाइन नहीं है। एक लाइन से समझ लीजिए, दो टी मारा हूँ, दो टी मार के इनलेट आउटलेट लिया हूँ, इंटर कनेक्शन किया हूँ। हमेशा इनलेट में एक आपको बॉल वाल्व देना पड़ेगा इधर नज़दीक, और आउटलेट में भी आपको एक बॉल वाल्व देना पड़ेगा। ये दोनों क्यों देना पड़ेगा, इसलिए आपका कभी भी मोटर बिगड़ता है यूनियन खोलते हो तो ये दोनों बॉल वाल्व जो जैसा मेरा अभी क्लोज है ऐसा आपको बंद रखना पड़ेगा। बंद रखने के बाद वो खोलिएगा, और ये जो देखिए आप, ये कोक मेरा खुला हुआ है,
ओके, यानी इधर से आपका बाईपास हो जाएगा लाइन में ऑटोमेटिक, जब कभी बिगड़ा तो ऐसा होएगा। अब इस दोनों कोक को बंद करना पड़ेगा, वो वाला कोक, ये वाला कोक और ये वाला को खोल देना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी खुला ही रहेगा, बंद तो नहीं रहेगा, ये हमेशा खुला ही रहेगा आपका, ये खुला रहेगा। ये दोनों को बंद कर दीजिए, हो गया। ओके, आप इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, इधर मैं दो चीज़ लगाया हूँ, आप लोग तीन चीज़ भी लगवा सकते हो। आप ये जो मेरा दो चीज़ लगवाया हूँ ना, इधर मतलब पोजिशन नहीं है, और आपको यूनियन भी अगर आप दे दोगे तो अच्छा रहेगा। और ये मेरा कंसील में मतलब जेट पट्टी का काम इधर नहीं है, आप देख सकते हो बाहर जो लाइन किया हूँ, जेट पट्टी का काम नहीं है, इसकी वजह से इधर भी जेट पट्टी नहीं लगा है। ओके, मेरा लाइन जो पहले था ना इधर था, यानी ये जो लाइन गया इधर से 500 बार लगा, देखते हो ना, उधर था और उधर से ऐसे उस साइड मोटर का पोजीशन था, लेकिन उधर जम नहीं रहा था, इसकी वजह से चेंज होकर इधर हो गया। ओके, अब सिंपल सा है, NRB बोलवाल, NRB और यूनियन, ये तीन चीज़ मैं किस लिए दिया हूँ मालूम है? तीन चीज़ आपको देना पड़ेगा अगर हो सके तो, अगर दो भी दोगे ओपन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए दिया हूँ, अगर आपका कभी ऐसा समझ लीजिए मेरा इधर सोलार लगने वाला है इसके वजह से, और वो जो सोलार लगेगा तो समझ लीजिए पावर का टेंशन कभी नहीं रहेगा, और जिधर पावर का टेंशन कभी नहीं रहता है ना, तो आप ऐसा काम करिए, ये बोल बल्ब और NRB दे दीजिए, तो आपका काफ़ी अच्छा होएगा। यानी ये दोनों बोल बल्ब, ये बोल बल्ब, ये NRB, और हो सके तो एक यूनियन भी होएगा तो दे दीजिए, सबसे बेस्ट होएगा। और NRB का एरो जो है देख लीजिए आप, इस साइड रहेगा, यानी इनलेट से आके आउटलेट में रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका इधर से पानी प्रेशर पंप में ऐसे जाता है, ऐसे जाएगा आउटलेट से, ऐसे उठ के ऐसे पानी आएगा। ओके, ऐसे पानी आने के बाद ये जल जाएगा आपका बाथरूम में, ये वाला बाथरूम में जाएगा, तो इधर भी तो पानी का प्रेशर मारेगा, और ये जो है आपका ऐसे जाएगा, इधर रुक जाएगा, मतलब पानी इधर जा नहीं पाएगा। इसके वजह से NRB का एरो इस साइड रखा हूँ, आप NRB का एरो इसलिए इधर रखा हूँ, अगर आपका कभी पावर चले जाता है, ये कोक भी खुला रहेगा, वो भी खुला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? आप समझ लीजिए, पावर चले गया, ये कोक खुला रहेगा, वो कोक खुला रहेगा, इधर से पानी आएगा डायरेक्टली, इधर से आके बाथरूम में जाएगा, और ये जो पानी है आपका, ये तो बोल वाल खुला रहेगा, लेकिन इधर से पानी जाके आपका ये NRB आपका सपोर्ट करेगा, किसके वजह से? मोटर में पानी नहीं जाने की वजह से ये NRB आपका सपोर्ट करेगा, इसके वजह से आपको ये NRB देना पड़ेगा। ओके, और ये जो पावर का सप्लाई का मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका कभी समझ लीजिए NRB बिगड़ गया, समझ लीजिए, और आपका पावर कभी जाता नहीं है, तो आप क्या करिएगा, सिंपल सा है, बाईपास लाइन बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका पावर हमेशा है, इसकी वजह से बोल रहा हूँ, बाईपास लाइन बंद कर दीजिए, मतलब ये जो है अब बंद करिए ऐसा, और इसे खोल दीजिए, इसे भी खोल दीजिए, खोलने के बाद इधर से बाईपास लाइन बंद, इधर से ऐसा पानी आएगा, पावर एनी टाइम चालू रहेगा, इधर से आके ऐसे चालू होके जितना बाथरूम है आपका ऐसे आके चले जाएगा। बाकी प्रेशर पंप का लाइन गीजर में कैसे लगाए, ओके चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को, सिंपल सा है बॉस। जैसे कि प्रेशर पंप का आउटलेट जो लाइन आता है प्रेशर में, वो लाइन से आपको सीधा है क्या है, आपका बाथरूम में जितना सारा बाथरूम है आपका सब में जाता है। तो सिंपल सा है, अगर बाथरूम के अंदर अगर आप लेना चाहते हो तो प्रेशर पंप का लाइन में टी मार के आप गीजर में ले जा सकते हो, और अगर आप टेरेस में रखना चाहते हो मेरे जैसा, तो इधर आप टी मार के वही लाइन गीजर का पॉइंट में कर दीजिए, और उसका आउटलेट लाइन लेकर चले जाइए गर्म पानी में, प्रेशर में जाएगा गीजर में, उधर से प्रेशर में आपका हर बाथरूम का सप्लाई कर देगा, सिंपल सा है। और बाजू में जो आप लाइन देख रहे हो वो है आपका नॉर्मल गीजर का पानी, जो आपको पहले बता चुका हूँ, और बाकी कुछ नहीं है। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, जो जो करना बाकी है सब कर लीजिए। फिर मिलने की कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।